हेलो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने फेसबुक का यूज़र नेम कैसे चेंज कर सकते हैं। जो मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो सीक्रेट इंडियन टीवी जिनका यूजर नेम यहाँ पर है। तो दोस्तों, आप भी इस प्रकार यूजर नेम कैसे ला सकते हैं, कैसे नया यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कैसे जो भी आपने यूजर नेम डाल दिया है उसे आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे कैसे रीनेम चेंज कर सकते हैं, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपने फेसबुक से लॉगिन हो जाना है, उसके बाद अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर 3 लाइंस दिख जाता है, तो सिंपली आपको 3 लाइंस के ऊपर प्रेस करना है। उसके बाद आपको पेज के ऊपर जाना है जिस भी पेज का आप यूजर नेम चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली करना क्या है कि आपको यहाँ पर जो यहाँ पर ऑप्शंस देख रहे हैं, ओवरव्यू, एड्स, नोटिफिकेशन, तो उसके बाद इसको थोड़ा लेफ्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो सिंपली आपको मोर के ऑप्शन जो 3 डॉट मोर दिख रहा है, सिंपली आपको इसके ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। तो इतना प्रेस करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करके नीचे जाते हैं तो यहाँ पर पेज कंट्रोल के नीचे आपको एडिट पेज का ऑप्शन दिख जाता है, तो सिंपली आपको एडिट पेज के ऊपर प्रेस करके इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो इतना ओपन कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर करना क्या है कि आपको यहाँ पर पेज इन्फॉर्मेशन जो दिख रहा है, सिंपली पेज इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आने के बाद आप यदि अपना कैटेगरी चूज करना चाहते हैं, यहाँ पर नेम चेंज करना चाहते हैं, तो दोस्तों अपने पेज का नेम चेंज कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ से अपना जो भी पेज का नेम चेंज करना है और भी सेटिंग इसमें करना है तो सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको यूज़र नेम के बारे में बताने वाला, तो सिंपली यहाँ से बैक आना है। उसके बाद आपको जो ऊपर वाला ऑप्शन दिख रहा है तो सिंपली आपको ऊपर वाले ऑप्शन के ऊपर प्रेस करना है। जैसे ऊपर वाले के ऑप्शन प्रेस करते हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपका पेज का नाम और नीचे जो आपका यूजर नेम है ऑलरेडी जो बन जाता है, या फिर आपने जो फेसबुक पेज बनाते समय क्रिएट करते हो तो दोस्तों वही यहाँ पर यूजर नेम शो होता है। तो सिंपली आपको यूजर नेम के ऊपर प्रेस कर रहे हैं, जैसे प्रेस करेंगे तो एक नया विंडो ओपन यहाँ पर हो जाएगा। तो सिंपली आपका यहाँ पर पेज, यहाँ पर जो पेज का यूजर नेम है क्रिएट करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, सिंपली इसके ऊपर प्रेस कर रहे हैं। जैसे प्रेस करते हैं तो दोस्तों आपका पेज का यहाँ पर यूजर नेम क्रिएट करने के लिए, रीनेम करने के लिए यहाँ पर आ जाता है। और इस प्रकार आप जो भी यूजर नेम अपना देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं। तो सिंपली देखिए, मैं यहाँ पर यूजर नेम टाइप कर दे रहा हूँ कुछ भी, तो दोस्तों अपना नाम ही मैं टाइप कर दे रहा हूँ यहाँ पर, अरविंद, मैं यहाँ पर 9K लिख दे रहा हूँ। मेरा यहाँ पर हर जगह सेम ही नेम है, तो दोस्तों मैं इस पर टाइप करके यहाँ से क्रिएट यूजर नेम के ऊपर प्रेस करना है, जो ब्लू टिक यहाँ पर दिख रहा है इसके ऊपर प्रेस कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सही का चिन्ह है कि नहीं, इसको भी आपको देखकर ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ से क्रिएट यूजर नेम के ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। तो जैसे इतना प्रेस करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपका यहाँ पर आ गया है। दोस्तों जो भी लोग यहाँ पर सर्च करेंगे तो दोस्तों आपका लिंक होगा यहाँ पर facebook.me यहाँ पर, उसके बाद आपका यहाँ पर यूजर नेम यहाँ पर शो होगा। तो दोस्तों इस प्रकार आप अपने फेसबुक का यूजर नेम चेंज कर सकते हो बहुत आसानी से। तो दोस्तों आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो दोस्तों उतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ओके के ऑप्शन पर प्रेस करना है। जैसे ओके के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर चेंज अभी नहीं हुआ। तो दोस्तों आपको करना क्या है, रिफ्रेश थोड़ा कर लेना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है, उसके बाद यहाँ से नीचे जाना है स्क्रॉल डाउन करके। उसके बाद देखिए मेरा यहाँ पर फेसबुक यूजर नेम चेंज हो चुका है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार अपने फेसबुक का यूजर नेम चेंज कर सकते हो। तो गाइस, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।